स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे किसकी, जो हमारे लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उसकी स्टडी कर रहे थे। तो नेक्स्ट था हमारा क्या स्टडी कर रहे थे हम, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ में कैसे हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट हमने रीड कर लिया था मेकिंग कर्ड एंड चीज़ में, बेकिंग इंडस्ट्रीज में। थर्ड था हमारा इन प्रिपेयरिंग अल्कोहलिक बेवरेजेज, मतलब जो अल्कोहल होती है अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पता है ईस्ट, पिछली बार भी हमने बोला था कि बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में भी किसका यूज़ होता है, ईस्ट का। और जो अल्कोहलिक की प्रिपरेशन होती है प्रिपरेशन में भी किसका यूज़ होता है, ईस्ट का। ईस्ट आपको भी पता है क्या, एक फंगी है। कौन सी फंगी है, यूनिसेलुलर फंगी है। तो ये हमारी किस में हेल्प करती है, ब्रीविंग अल्कोहल। ब्रीविंग मतलब प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन। हमेशा याद रखना ये, जो ब्रेड वगैरह फॉर्म होते हैं वो भी हमारे कौन सी प्रोसेस से होते हैं, फर्मेंटेशन। इसमें क्या किया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, कि पहले उन्हें बिल्कुल डिकम्पोज किया जाता है, डिके किया जाता है, उन्हें सड़ाया जाता है, जो हमारे जिससे हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके, कि जो भी जिस चीज़ के में फॉर्मेशन करनी है, जिस सब्सटेंस से करनी है। ओके, तो दिस ईस्ट फीड्स ऑन द शुगर कंटेंट इन वेरियस फ्रूट्स, राइस, वीट एंड बार्ले। कि किस किस से बनते हैं हमारी अल्कोहल, फ्रूट से, राइस से, वीट से और बार्ले। बार्ले क्या होते हैं, जौ। हाँ जी, देखो इनके अंदर क्या होता है, फिर हमारे इस सभी के ऊपर वो क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं। कौन, ईस्ट फीड कर लेते हैं। तो एट द एंड ड्यू टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था 7th क्लास में। एनएरोबिक किसके एब्सेंस में होते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे हमारी प्रेजेंट नहीं होती। तो एब्सेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या करते हैं, द शुगर इज कन्वर्टेड इन टू एल्कोहल। कि हमारा शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैस विच इज़ रिलीज, और वहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम बेकिंग इंडस्ट्रीज में रीड करें तो उसमें भी बोला था मैंने कि कौन सी गैस रिलीज होती है वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे भी कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईस्ट प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6। तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है हमारी, अल्कोहल की। प्लस साइड साइड में हमारा क्या बच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये था हमारा क्या था, कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें कैसे यूज होते हैं, किस में, अल्कोहल की फॉर्मेशन में। या रियल वर्ल्ड में देखो, द अर्लीस्ट बियर कंटेनर वर प्रोड्यूस्ड इन 10,000 BC इन चाइना जापान। कि सबसे पहले जो हमारे बियर कंटेनर्स थे वो, कि हमारे जिसके अंदर बियर होती, कंटेनर्स यानी मतलब जिसके अंदर हम बियर डाल सकते थे, वो हमारे कहाँ बने थे, चाइना और जापान के अंदर। लुईस पाश्चर वॉज द फर्स्ट टू साइंटिफिकली प्रूव दैट ईस्ट सीन इन द वाइन्स एंड बेवरेजेज। कि जो हमारी अल्कोहल होते हैं, बेवरेजेज होती हैं, उनके अंदर जो हमारे अल्कोहल के फॉर्मेशन में, कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ईस्ट को देख सकते हैं, उनके अंदर ईस्ट हमारा यूज़ कर सकते हैं हम, किस किस की प्रोडक्शन होती है, और वहाँ से बाद में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और कौन से प्रोसेस से बनते हैं हमारे, फर्मेंटेशन। बियर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स। कि बियर जो बनती है हमारी वो किसकी फर्मेंटेशन से बनती है, ग्रेन्स की फॉर्मेशन से, फर्मेंटेशन से। वाइल वाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स। की वाइन जो बनती है हमारी, वाइन और बियर, ठीक है, बियर हमारी किससे बनती है, ग्रेन से, और वाइन हमारी किससे बनती है, फ्रूट से, या फिर मेनली ग्रेप्स। फ्रूट्स में हम मेनली किसका यूज़ करते हैं, ग्रेप्स का। ओके, सैक्रोमाइसिस सर्वेस्टे इज द मेन कॉमन ईस्ट यूज इन द वाइन मेकिंग। कौन सा हमारा, सैक्रोमाइसिस सर्विशी। ये हमारा क्या, कॉमनली ईस्ट यूज़ करते हैं हम किस में, मेकिंग इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट हमारा एज फूड, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या हम क्या करते हैं, एज ए फूड भी ईट करते हैं। तो सर्टेन एडिबल शी वीड्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन्स। की कुछ एडिबल सी वीड्स के अंदर, मतलब सी के अंदर जो वीड्स, मतलब एक्स्ट्रा प्लांट्स वगैरह, एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फाइबर और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो दे हैव बीन कंज्यूम्ड एज फॉर
एज फूड फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कि हम उनको क्या करते आ रहे हैं, कंज्यूम करते आ रहे हैं 100 ऑफ ईयर पहले से ही, बिकॉज उनके अंदर क्या है, फाइबर और प्रोटीन्स, जैसे रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये क्या है उसके एग्जाम्पल है। ओके, हम क्या करते हैं, इन एल्गी को ईट करते हैं, रेड ब्राउन और ग्रीन एल्गी को, लेकिन कुछ स्पीसीज यानी सारी स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट हमारा सम मशरूम्स आर एडिबल, एडिबल कि हम कुछ मशरूम्स को भी क्या करते हैं, ईट करते हैं, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मशरूम के आप वेजिटेबल बनाते हो ना, तो दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कि इसके अंदर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड मिनरल्स। विटामिन बी होता है और क्या होते हैं, मिनरल्स, बट सम ऑफ देम आर हाईली पॉइजनस, लेकिन कुछ क्या होते हैं हमारे लिए पॉइजनस, हार्मफुल भी होती हैं, सच एज टोड स्टूल्स। कौन से होते हैं, टोड स्टूल्स, दे लुक सिमिलर टू एडिबल मशरूम्स, लेकिन वो दिखाई कैसे देते हैं, सिमिलर टू एडिबल मशरूम्स, सो वन हैज़ नो एक्सट्रीमली केयरफुल फॉर वाइल ईटिंग मशरूम्स, कि हमें क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं, मशरूम्स को ईट कर रहे हैं, कि हम उसकी कौन सी स्पीसीज को ईट कर रहे हैं, हमें कभी भी ये वाली स्पीसीज ईट नहीं करनी चाहिए, टोड स्टूल्स, बिकॉज दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस। द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड मशरूम इज़ द बटन मशरूम, जो हम ईट करते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं, बटन मशरूम, एंड मेक्स अप अबाउट 40% ऑफ मशरूम्स ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड। और ये हमारी कम से कम जितने भी मशरूम हमारी ग्रो होते हैं उसमें से 40% हमारी कौन सी होती है, बटन मशरूम। ओके,